बाड़मेर शहर में वाटर लॉगिंग की समस्या अब विकराल रूप लेती जा रही है। बाड़मेर शहर के पालिका बाजार, अग्रवाल मोहल्ला सहित कई कॉम्प्लेक्स, होटल्स व रहवासी मकानों में बने अंडरग्राउंड पूरे दिन पानी से लबालब भरे रहते हैं। कई स्थानों पर लोग मोटर लगाकर पानी का निस्तारण कर रहे हैं। बावजूद इसके इस समस्या पर ना प्रशासन गंभीर नजर आ रहा है और ना ही सरकार। थार के विशाल मरुस्थल के बीच में बसा बाड़मेर शहर पानी पर तैर रहा है। कहने को तो मरुस्थल में पानी की भयंकर किल्लत रहती है, लेकिन बाड़मेर शहर के नीचे अथाह जल भंडार है और इस भंडार में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है, जो शहरवासियों के लिए परेशानी बढ़ा रही है। और यह परेशानी है वाटर लॉगिंग की। दरअसल बाड़मेर शहर जहाँ बसा है वहाँ कुछ फीट नीचे ही बेंटोनाइट की एक पट्टी है। बेंटोनाइट की वजह से जो पानी रिस कर जमीन में जाता है वह कुछ ही फीट में लॉक हो जाता है, फिर वही पानी उफन कर ऊपर आ जाता है। वाटर लॉगिंग की यह समस्या शहर में विकराल रूप लेती जा रही है। पहले जहां शहर के कुछ इलाके ही प्रभावित हुआ करते थे, लेकिन अब करीब करीब आधा शहर इसकी चपेट में आ चुका है। आलम यह है कि 2-3 फीट गहरा गड्ढा खोदते ही पानी निकल आता है, और जिन लोगों ने अपने मकान में अंडरग्राउंड बना रखे हैं उनके अंडरग्राउंड हमेशा पानी से लबालब भरे रहते हैं। बाड़मेर शहर में बने रेस्टोरेंट, होटलों और भवनों के अंडरग्राउंड में भरे भूजल को निकालने के लिए शहरवासी मोटरों की सहायता ले रहे हैं। कुछ लोगों ने मकानों की दीवारों पर सीलन से बचने के लिए टाइल्स लगाई है। शहर के हमीरपुरा, प्रताप जी की प्रोल, शास्त्री नगर, पुराना जाटावास, गांधी नगर, महावीर नगर, नेहरू नगर, कल्याणपुरा सहित कई इलाके वाटर लॉगिंग की चपेट में है। यहाँ मार्केट में दुकान है। कौन सा मार्केट है? ये पालिका मार्केट है। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है हमारे, ना तो पार्किंग व्यवस्था है और न ही ये मार्केट में पानी तो बहुत आता है, बारिश के टाइम भी आता है, और ऐसे भी हम यहाँ मोटर लगा के रखी है तो दिन भर मोटर हमारे को चालू बंद करनी पड़ती है। ये हम नगर पालिका के पास में भी गए थे, लेकिन इसका कोई समाधान अभी तक नहीं हुआ है। पाँच सात साल हो गए तो इस... अब देखो, अब हम तो नगर पालिका के पास भी गए थे और हमारे यहाँ जो MLA साहब है मेवाराम जी, उससे भी मिले थे, 2-3 बार मिले थे, लेकिन वो ऐसे बोलते हैं कि हाँ कर देंगे, लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। वाटर लॉगिंग की इस समस्या से निजात पाने के लिए अब तक ना नगर परिषद ने कोई ठोस कदम उठाया है और ना ही जिला प्रशासन ने। हालांकि केंद्रीय स्तर पर एक कमेटी 3 साल पहले जरूर बनाई गई थी, लेकिन कमेटी ने 2-3 बार बाड़मेर का निरीक्षण कर रिपोर्ट सरकार को सौंप दी और फिर वे कागज फाइलों में दफन हो गए। अब लोग अपने स्तर पर ही इस भूजल से निपटने के उपाय कर रहे हैं।